Hi to all the viewers of Cinespeaks. How are you all? Hi Vaishnavi. Hi. Congratulations for your new show. Thank you so much. So, आपका इसमें क्या किरदार है और बड़ा चटपटा सा किरदार है आपका. हाँ जी. तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में. ये जो लड़की है चित्रलेखा, ये IAS की तैयारी कर रही है और इसके पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और ये लोग अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं और बहुत किताबी कीड़ा है, पढ़ाई करती रहती है. ऑब्वियसली इसे करना पड़ रहा है बिकॉज इसे एग्जाम्स क्रॉस करनी है. बहुत एम्बिशियस है, फोकस्ड है, लेकिन कॉन्फिडेंट और हेडस्ट्रॉन्ग भी है एट द सेम टाइम. आपका लास्ट शो बेपना था, उसमें आपका कैरेक्टर डिफरेंट था, इसमें डिफरेंट है. तो ये कॉमेडी, मतलब सॉर्ट ऑफ कॉमेडी, इसमें मैसेज भी है एक प्रोग्राम में. तो उस मैसेज को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या लगता है, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म? आई थिंक कॉमेडी से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू सच सीरियस इश्यूज एंड मैसेजेस लाइक सैनिटेशन, हाइजीन और एनी काइंड ऑफ क्राइम ऑल्सो. कॉमेडी इसलिए भी लोगों को पसंद आता है बिकॉज लाइट हार्टेड होता है, स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं आता, तो लोग देखना चाहते हैं कॉमेडी शोज़. तो आई थिंक इससे बेटर जरिया, इससे बेटर जॉनर नहीं होता कॉमेडी से बेटर टू कन्वे दिस मैसेज टू द सोसाइटी. ओके. इसमें अनिल जी का भी रोल है इसमें. हाँ. तो कैसा एक्सपीरियंस मतलब रहा उनसे इंटरेक्ट करने का और उनके साथ? ही इज़, सबसे पहली चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो बहुत बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल पर्सन है और उन्हें कोई एटीट्यूड या ऐसा कुछ नहीं है अबाउट इट. एंड इट वाज वेरी इजी टू वर्क विद हिम, वेरी आराम से काम हो गया. It was a nice experience and to work with obviously Anil Kapoor ji ko apne itne films mein bhi dekha hua hai and all that. Acha lagta hai when aise bade bade stars hamare country ke aise shows mein aakar, hamare jaise acche shows mein aakar acha message dene ki koshish karte hain. Aapko kya lagta hai ye program jaise jo गरीब गांव गांव में लोगों को ये मैसेज कन्वे करेगा और उससे आपको लगता है कि चेंजेस डेफिनेटली लोगों में आएंगे? बिल्कुल आएंगे. सोच में आने चाहिए. सोच में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोच में चेंज आना. और लोग मस्ती में मजाक में देखेंगे तो ऑब्वियसली मस्ती के लिए देखेंगे, हंसने के लिए देखेंगे, तो आई होप चेंज आए. मैं गारंटी नहीं दे रही बट हो सकता है कि आ जाए. चल जल्दी किया जाए. क्या व्यूवर्स को बोलेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पेट पकड़ पकड़ के हंसना है और हंसते हंसते रोना है तो आप इस शो को देखिए. और अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है अबाउट हमारी कंट्री और हमारे गांव जो रूरल विलेजेस हैं, तो प्लीज़ इस शो को देखिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.